अच्छा, 12वीं इतिहास त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का पेपर हमारे पास आ चुका है। आप लोग देख सकते हैं यह कक्षा 12वीं वालों का है, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का इतिहास का पेपर। ठीक है, इतिहास का पेपर है कक्षा 12वीं वाले। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप कक्षा 12वीं के छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा का पूरा पेपर हम आपको बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 23 तक का इतिहास का पेपर बताएंगे कक्षा 12वीं वालों का। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा कुछ देरी नहीं करते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, यहाँ से पेपर स्टार्ट होता है कक्षा 12वीं वालों का, त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 इतिहास का पेपर है। प्रश्न क्रमांक 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें आपको 1 से लेकर 6 तक देखने को मिलेंगे। ठीक है, पहला आप लोग देख सकते हो पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी थी, तो इसमें आपके नीचे विकल्प दिए गए हैं, जो भी हो जाएगा वे आपको कर देना है। इसी प्रकार से दूसरे देख सकते हैं आप, तीसरे देख सकते हैं, चौथा, पाँचवा, छठवा, 6 नंबर तक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा देख सकते हो कौन से वंश को उनके मातृ नाम से चिन्हित किया जाता था, तो नीचे विकल्प दिए गए हैं, जो भी आपको हो जाएंगे वे आपको कर देना है। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपका नेक्स्ट आता है, प्रश्न क्रमांक जो कि प्रश्न क्रमांक 2 हो जाएगा। इसमें देख लीजिए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, तो इसमें आपको 7 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो पहला आप लोग देख सकते हैं, देखिए 1 से लेकर 7 तक है। पहला आप लोग देख सकते हो सेंट जॉर्ज किला खालिस्तान शहर में स्थित है, तो इस प्रकार से आप लोग पहला कर लेना, दूसरा कर लेना, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये आपका छठवा और सातवा। ठीक है, 7 तक कर लेना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, तो नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक आपका 3 आता है। इसमें देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 3 में आपका सही जोड़ी बनाइए, इसमें 1 से लेकर 6 तक देखने को मिल जाएंगे। तो पहले देख सकते हो बी आर, यहाँ पर देखिए कुंस्तकार, इसके बाद दूसरा देख सकते हो विनय पिटक और इसके बाद तीसरा देख सकते हो सिंह सिर्क। इस प्रकार से आप लोग 6 पूरे 6 तक हैं, तो 6 कर लेना है आप। ठीक है, और इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 आता है आपका, तो प्रश्न क्रमांक 4 में आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित प्रश्नों के 1 शब्द 1 वाक्य में उत्तर आपको देना है, तो इसको भी आप लोग कर लेना। देख लीजिए 7 नंबर के देखने को मिलेंगे, 1 से लेकर 7 नंबर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, लिंगायत यहाँ पर देखिए संप्राय वीर सैज किन में किसकी पूजा की जाती है, इस प्रकार से दूसरा देख सकते हो, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा और ये आपका सातवा। ठीक है, इसके बाद आपका देख लीजिए नेक्स्ट इधर दिखाते हैं आपको, देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 5, तो प्रश्न क्रमांक 5 में आप लोग देख सकते हैं निम्नलिखित वाक्यों में से वाक्यों में सत्य असत्य लिखिए, इसमें आपको सत्य असत्य लिखना है, जो कि 6 नंबर के हो जाएंगे। तो पहले देख सकते हो औपनिवेशिक काल में नियमित रूप से दशकीय जनगणना यहाँ पर देखिए 1881 ईस्वी में शुरू हुई, ये आपका सत्य हो सकता है या फिर असत्य। इसी प्रकार से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा यहाँ पर 6 तक आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 आता है आपका, प्रश्न क्रमांक 6 में आप लोग देख सकते हैं मौर्य साम्राज्य के कोई 4 प्रमुख ऐतिहासिक स्रोतों के नाम लिखिए, 2-2 नंबर के आपके होने वाले हैं, देख लीजिए। ठीक है, 2-2 नंबर के होने वाले हैं। इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए सातवा, देख लीजिए सातवें के यहाँ पर देखिए यहाँ पर वही विवाही क्या है, ठीक है, क्या होता है, इस प्रकार से इसके अथवा का करना चाहो तो आप लोग ये भी कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आप लोग देख लीजिए, नेक्स्ट है आपका यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 8, तो इसमें देख लीजिए महावीर जी की कोई 2 शिक्षाएं को लिखिए। ठीक है, इसके बाद अथवा का देख सकते हो जैन धर्म के पंचव्रत के नाम लिखिए, ये 2-2 नंबर के आपके होने वाले हैं। इसके बाद आप लोग प्रश्न क्रमांक 9 देख सकते हो अमरावती का स्मूथ कहाँ स्थित है एवं इसकी खोज का श्रेय किसे दिया जाता था है, 2 नंबर का होने वाला है, 2-2 नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अथवा का कर लेना। इसके बाद 10वां देख सकते हो, 10वें के बाद आप लोग यहाँ पर देख लीजिए 10वें का अथवा का भी कर लेना, पढ़ लेना आप लोग वीडियो को रोक के, क्योंकि पेपर को पढ़ के बताएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग प्रश्न क्रमांक 11वां के सामने, ठीक है, राजा शब्द से क्या अभिप्राय है, इसके अथवा का देख सकते हो बुकानन कौन था। इसके बाद आप लोग यहाँ पर 12वां देख सकते हैं, 12वां आपके सामने है, देख लीजिए 12वां कर लेना। इसके बाद आप लोग ये मुंबई वाला अथवा का कर लेना है, ठीक है, इसको भी आप लोग को करना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपका नेक्स्ट आता है 13वां, तो इसमें देख लीजिए प्रश्न क्रमांक 13वें में आपका गांधी जी ने चरखा के कौन कौन से लाभ बताइए, कौन कौन से लाभ बताइए,
ठीक है, इसके दो लिखना है, दो लाभ लिखना है, दो नंबर देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको देखिए गांधी जी ने नमक कर कानून कब और कहाँ तोड़ा, ठीक है, दो नंबर का इसको कर लेना। प्रश्न क्रमांक 14 कर लेना, शाही भारतीय यहाँ पर देखिए नौसेना ने कब और क्यों विद्रोह किया, इसके अथवा का करना चाहो ये कर लेना। वी एन राव कौन थे। इसके बाद 15 आप लोग देख सकते हो, 15 में भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 का अर्थ क्या है। इसके बाद हिंदुस्तानी भाषा किसे कहते हैं ये कर लेना। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16 आप लोग कर लेना, 17 आप लोग के सामने 17 कर लेना, और इसके बाद आपका यहाँ पर 17 का अथवा का आता है इसको कर लेना। इसके बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं, देख लीजिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। प्रश्न क्रमांक 18 है, मुर्गीकालीन ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषताएं की व्याख्या कीजिए, 3 नंबर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल सिंपल पेपर है आपका, ठीक है, जो कि आप लोग आसानी से याद कर सकती हो। इसके अथवा का करना चाहो अथवा कर सकते हो। कृषि समाज में महिलाओं की स्थिति का वर्णन कीजिए। इसके बाद 19 देख सकते हो, कैबिनेट मिशन की कोई 3 प्रमुख यहाँ पर देखिए सिफारिशों में के वर्णन कीजिए। इसके बाद अथवा का देख सकते हो, महात्मा गांधी की समुदाय के यहाँ पर देखिए दिनतों को रोकने हेतु किए गए प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। इसी प्रकार से 20 आप लोग देख सकते हैं, 20 आपके सामने मध्यकालीन भक्ति परंपरा की कोई 4 प्रमुख स्त्रोतों के यहाँ पर देखिए उपदेशों का वर्णन कीजिए। इसके बाद मीणाबाई वाला कर लेना अथवा का। इसके बाद 21 आपके सामने है, 21 आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, 21 कर सकते हो, 22 आप लोग कर लेना, ठीक है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो 22 का अथवा का, महात्मा गांधी जी की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की आंदोलन में भूमिका का वर्णन कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मानचित्र पर निम्नांकित को दर्शाइए। यहाँ पर देखिए 4 नंबर देखने को मिलेंगे, यहाँ पर 4 जो कि मैप जो देश दिख गए हैं इनको आपको दर्शाना है मैप में, ठीक है, अस्मक, और दूसरा देख सकती हो मत्स्य, और इसके बाद तीसरा देख सकते हो सूरसेन, और इसके बाद यहाँ पर काशी चौथा वाला। और अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप लोग क्या करना है, इसके अथवा का दिया गया है तो अथवा में भी आप लोग कर सकते हो शिमला कानपुर, और यहाँ पर देखिए जमशेदपुर, और देखिए दार्जिलिंग, ठीक है। इसके बाद भारत के मानचित्र दर्शाना है, और इसके बाद आपको एक मैप दिया जाएगा। पेपर के पीछे आपको एक मैप का पेज देखने को मिलेगा, नेक्स्ट पेज, ठीक है। वैसे टोटल आपको 10 पेज देखने को मिलेंगे यहाँ पर देख लीजिए, और इसके बाद आपको एक पेज में मैप देखने को मिलता है जो कि आपको उसमें इसको भरना होता है, ठीक है। तो ये था त्रैमासिक परीक्षा पूरा का पूरा पेपर, कक्षा 12वीं का इतिहास का पेपर हमने आपको दिखा दिया है, यही आपका 100% परीक्षा में पेपर देखने को मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।